है ये अपराधी, किस टाइप का ये अपराधी था और क्या निर्णय हुआ है? इसमें गुलावटी थाना है हमारा, उसमें एक मिस्टर मकसूद थे जो गौकसी के अनेक मुकदमों में वांछित थे और उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट लागू हुआ था। संपत्ति उनकी जितनी भी थी अपराध के बाद की थी, एक मकान था लगभग 9,18,000 रुपये का, उसकी कुर्की के लिए 14 एक गैंगस्टर अधिनियम के तहत मेरे न्यायालय में आया था। समस्त साक्ष्यों का संकलन करने के बाद, पूरी जांच पड़ताल कराने के बाद मैंने ये पाया था कि ये मकान जो है अपराध करने के बाद जो संपत्ति उसने अर्जित की थी उससे खरीदा गया था, उसको हमने फिर कुर्क किया था। पूरा प्रकरण न्यायालय में गया, गैंगस्टर न्यायालय में गया, उन्होंने भी, माननीय जज साहब ने भी उसको पूरा विवेचना किया और ये पाया कि वास्तव में ये उसके द्वारा अपराध करके जो धन अर्जित किया गया उससे ये संपत्ति बनाई गई है और जो डीएम ने कुर्की का आदेश किया है वो सही किया है और एक तरीके से ये सरकार के जो अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जीरो करप्शन और जीरो क्राइम, उसकी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और भी चूँकि जिले में काफ़ी गैंगस्टर्स हैं जिनकी परिसंपत्तियाँ जब्त की गई हैं, हम लोग न्यायालय में प्रभावी पैरवी करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि ये सब जमीन संपत्तियाँ जो हम लोगों को हासिल हो रही हैं गैंगस्टर्स की, वो गरीबों के उपयोग में आए, उनके लिए क्या उपयोग हो सकता है, आवास बन सकते हैं या कम्युनिटी हॉल बन सकते हैं या अन्य किसी प्रकार से उनके उपयोग में आए, वो हम लोग जरूर करेंगे। और ये एक मील का पत्थर रहे ये निर्णय, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहली बार इस तरीके का न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है।